स्वागत है आप लोगों को हमारा चैनल पर। आप लोगों को तो मालूम है कि किसान आंदोलन कर रहा है तीन कृषि कानून के विरुद्ध में देश की राजधानी दिल्ली में, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये आंदोलन इतने दिन से जारी है फिर भी कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये किसानों के फसल पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है और ये सरकार पर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है। और ये सरकार चुनाव की तैयारी में जुटे है, बंगाल समेत 5 राज्यों में होगा चुनाव और इसी चुनाव की तैयारी में जुटी है सरकार। इसीलिए किसानों ने भी ठान लिया है कि ये 5 राज्यों में जाकर करेंगे रैली, केंद्र सरकार को वोट ना दे इसी दौरान रैली करेंगे पूरे 5 राज्यों में। और कल होगा कोलकाता में रैली, किसान जाएंगे कोलकाता समेत 5 राज्यों में और करेंगे, सबको जनाएंगे ये केंद्र सरकार को वोट ना देने के करेंगे अपील। तो जाने इस वीडियो में पूरा खबर। राकेश टिकैत पहुंचेंगे, योगेंद्र यादव पहुंचेंगे, हन्नन मोल्ला भी जाएंगे। किसान आंदोलन का नया रणक्षेत्र अब पश्चिम बंगाल और असम होने जा रहा है। किसानों ने चुनाव वाले 5 राज्यों में बीजेपी के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए कमर कस ली है। किसान पहला ट्रेलर कल कोलकाता में दिखाने जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार इन दिनों बंगाल के चुनाव में व्यस्त है, तो किसान सरकार से वहीं मुलाकात करेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे। चुनाव थोड़ा लड़ना हमने, वहाँ पे जाना चाहिए, जहाँ पे वो चल रहे हैं वहाँ पे बता रहे सब नेता, वहीं जा रहे हैं, ये तो चलेंगे हम भी। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक कोलकाता में वाहन रैली के लिए 294 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। चुनाव वाले 5 राज्यों में किसानों की टीमें बीजेपी को वोट न देने की अपील करेंगी। किसान संगठन सभी विधानसभा क्षेत्रों में 3 से 4 रैलियां करेंगे। किसानों का जत्था पश्चिम बंगाल कूच की तैयारी में है, तो दिल्ली की सीमाओं पर भी किसान डटे हैं। संकल्प वही है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती वो यहां से हटने वाले नहीं हैं। हम इस देश की आर्थिक व्यवस्था के कल्याण के लिए यहां पर पड़े हैं। हम इस देश के कृषि प्रधान देश के किसानों के परिवार को जिंदा रखने के लिए यहां पड़े हैं। हम इस देश में रोटी तिजोरी में बंद न की जाए, रोटी पर राजनीति न की जाए, रोटी पर व्यापार न किया जाए, इसके लिए यहां पर पड़े हुए हैं। हम लोग जाने वाले नहीं। तीनों कानून वापस नहीं होंगे तब तक यहां अड़े रहेंगे, नहीं जाएंगे। बस तीनों कानून ही वापस कराने हैं। हाँ जी, हाँ जी, एमएसपी गारंटी, तीनों कानून वापस, जब तक नहीं होंगे तब तक नहीं जाएंगे यहाँ से। सरकार और किसानों के बीच मसला सिर्फ एमएसपी और 3 कृषि कानूनों की वापसी पर अटका है। न सरकार कदम पीछे खींचने को तैयार है और न ही किसान। किसानों की फसलों पर आंदोलन का असर पड़ रहा है, तो किसान भी बीजेपी की सियासी फसल चौपट करने की तैयारी कर चुके हैं।